सो लेडीज, जब भी आपके पीरियड्स होते हैं तो आपको क्या होता है, अजीब सी स्मेल आने लगती है खुद में से ही, और वो स्मेल इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है कि आप सोचते हो कि कहीं बाहर जाना है, किसी दोस्त से मिलना है, तो नहीं मैं तो पीरियड्स के बाद मिलूँगी क्योंकि मेरे को खुद में से इतनी बुरी स्मेल आ रही है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो स्मेल आती क्यों है, और क्या आपने ये सोचा है कि क्या वो स्मेल अलग अलग तरीके की हो सकती है और उससे कोई हेल्थ कनेक्शन है? तो हाँ, मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल इससे हेल्थ कनेक्शन है। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह की जो पीरियड ब्लड में से स्मेल आती है, जब आपका मासिक धर्म चल रहा होता है, आपके महीने चल रहे होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है उसमें से जो बदबू आती है उसके बारे में, वो अलग अलग तरीके की हो सकती है और उनके कारण, और अगर वो है तो आपको करना क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी ब्लीडिंग होती है, मान लो कि नॉर्मल हमें इंजरी हो गई, कोई भी, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, ओके, और नाइफ लग गया, चाकू लग गया, थोड़ा सा कट हो गया, ब्लीडिंग हो गई, या बहुत ज़्यादा भी ब्लीडिंग हो गई कभी किसी अदर पार्ट से, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, जब भी हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो हमें बदबू नहीं आती। लेकिन जब बात हो रही है मासिक धर्म की, महीने की, वो वाला ब्लड, तो उसमें से बदबू क्यों आती है? खून तो वो भी है, लेकिन उसमें से बदबू इसलिए आती है क्योंकि जब भी ब्लीडिंग होती है, जब भी ब्लड निकलता है, कहाँ से? आपकी योनि में से। तो जो योनि का खुद का लिक्विड होता है, खुद का डिस्चार्ज होता है, वो उस ब्लड के साथ मिक्स कर लेती है। उसके साथ साथ वो जो ब्लड है और वो जो डिस्चार्ज मिक्स्ड ब्लड है, वो क्या होता है, हवा के कॉन्टैक्ट में आता है, उसके साथ साथ बैक्टीरियाज के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो सब कुछ मिलकर क्या करते हैं, बदबू बनाते हैं, स्मेल बनाते हैं। तो ये बात थी कि पीरियड्स ब्लड के अंदर स्मेल क्यों आती है। अब हम बात करेंगे अलग अलग तरह की पीरियड्स ब्लड स्मेल का। अगर आपने अब तक ध्यान नहीं दिया है तो अब जब आपकी नेक्स्ट साइकिल हो ना, तो बिल्कुल ध्यान देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्मेल की, जो क्या है, फिशी स्मेल। अब फिशी स्मेल का मतलब जो मच्छी जैसी बदबू आए वैसी सी स्मेल। तो फिशी स्मेल क्यों आती है भाई पीरियड्स ब्लड में, या फिर हमारे पैड में से क्यों आएगी? वो तब आएगी जब एक लेडी को, जब एक महिला को क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, जो कि क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अब ऐसा क्यों होगा, जैसे कि आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो हमारी योनि है उसके कुछ दोस्त बैक्टीरिया है, मतलब कुछ अच्छे बैक्टीरियाज है जो उसके दोस्त है, जो उसको क्या करते हैं, उसको बचाते हैं इन्फेक्शन से, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है कि जो ये अच्छे बैक्टीरियाज है ना, ये कम हो जाते हैं, और जो गंदे बैक्टीरियाज हैं, जो दुश्मन वाले बैक्टीरियाज हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, योनि में इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब आपको फिशी स्मेल महसूस हो, मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है उस टाइम पे, तो आपको करना क्या है, आपको जल्दी से भागना है अपने डॉक्टर के पास और जल्दी से स्टार्ट करवानी है क्या, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या देंगे, वो आपको जो टेबलेट फॉर्म होती है ओरली, वो ही आपको देंगे, और उससे आपका इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इतनी सी बात है, लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है ना। तो नेक्स्ट स्मेल की हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्मेल है हमारी सेकेंड स्मेल, वो क्या है, अनियन जैसी स्मेल, मतलब कि प्याज जैसी बदबू। आपने प्याज को स्मेल किया होगा हमेशा, तो वो वाली स्मेल अगर आपके पैट से आ रही है आपके मासिक धर्म के टाइम पे, तो क्या करना है, क्यों है वो? वो होती है हमेशा जब तब आप क्लीनिनेस और हाइजीन नहीं रखते हैं, मतलब कि आप साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, तब कैसी स्मेल आएगी, प्याज जैसी स्मेल आएगी। तो उसके लिए करना क्या है, साफ सफाई रखनी है, सिंपल सी बात। लेकिन साफ सफाई रखनी कैसे है उस एरिया की, उस एरिया की साफ सफाई रखने के लिए, अब मानो कि आपको आ रही है अनियन जैसी स्मेल, आपको प्याज जैसी स्मेल आने लगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भग लिए दुकान में, जी हमें तो इंटरमेट हाइजीन वॉशेज दे दो, हमें तो सेंट्स दे दो, हमें तो ऐसे सोप दे दो जिससे खुशबू आ जाए। नहीं, आपका कंसेंट्रेशन खुशबू पे नहीं होना चाहिए, आपका कंसेंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, साफ सफाई पे। और वो साफ सफाई आपको किससे करनी है, नॉर्मल वाटर से करनी है, मतलब कि सिंपल जो नॉर्मल पानी है उससे करनी है, ओके। और उसका जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे क्या है कि आपको साफ करना है अपनी योनि के
एरिया को, ओके। उसके बाद एक और चीज़ जुड़ी हुई है, जब मासिक धर्म की बात जुड़ी है, जब पैड्स की, टेम्पून्स की, इन सब चीज़ों की बात जुड़ी है, तो क्या चीज़ जुड़ी है साथ में, कि आपको वो जो आपके पैड्स हैं या आप टेम्पून यूज़ कर रहे हो उसको क्या करना है, फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहने, बदलते रहना है, ओके। तो उससे क्या होगी, साफ़ सफाई मेंटेन होगी और आपको और भी चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि इन्फेक्शन नहीं होंगे, आपको रैशेज़ नहीं होंगे, आपको इचिंग नहीं होगी, आपको इरिटेशन नहीं होगी और बदबू नहीं आएगी। तो वो आज का टॉपिक है ना, इसीलिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बदबू के बारे में। नेक्स्ट क्या हो ना, स्वीट स्मेल। अब ये स्वीट क्यूट वाली स्मेल नहीं, मिट्टी वाली स्वीट स्मेल आना। तो स्वीट स्मेल क्यों आती है, स्वीट स्मेल आती है जब हमारी जो योनी होती है ना वो एसिडिक की तरफ चलती है, मतलब कि एसिडिक एनवायरनमेंट होने लगता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारी योनी है वो नेचुरली भी, नॉर्मली भी एसिडिक ही है, तो इतना उसके बारे में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला कि वो एसिडिक होने लगती है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है कि वो बेसिक की तरफ जाने लगती है, मतलब उसका पीएच बढ़ने लगता है। लेकिन जब एकदम से पीएच कम होने लग जाए, मतलब एसिड वाला होने लग जाए, तो आपको कैसी स्मेल आएगी, स्वीट स्मेल, मीठी मीठी सी स्मेल। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ एबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है, ओके। उसके बाद सबसे गंदी सी, क्या रोटन मीट जैसी, बिल्कुल जैसे सड़ा हुआ मीट होता है ना, वैसी स्मेल आना, वो आए तो करना क्या है, और वो क्यों आती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है हमारा। वो आती है बहुत एक सिंपल सी चीज़ की वजह से, जब आपको प्यार हो जाता है, जब आपको अपने पैड से इतना प्यार हो जाता है कि आप उसको बदलते ही नहीं है, या आपको अपने टेम्पून से इतना प्यार हो जाता है कि आप उसको वहीं रखना चाहते हैं, आप उसको बदलना नहीं चाहते, तो भाई महीने के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे उस प्यार को छोड़ दीजिए और उस पैड को फ्रिक्वेंटली चेंज कीजिए, वो प्यार करने की चीज़ नहीं है, ओके। दैट वॉज अबाउट फन, लेकिन होता इसीलिए है कि आप फ्रिक्वेंटली पैड चेंज नहीं करते, वो पैड बहुत लंबे समय तक आप लगा के रखते हैं, उसकी वजह से रोटन मीट जैसी बहुत गंदी सी स्मेल आपको महसूस होती है। तो उसके लिए सिर्फ एक सिंपल चीज़, आपको क्या करना है, अपने पैड्स को, अपने टेम्पून्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करना है। उसका कनेक्शन क्लीनिनेस और हाइजीन से भी है, मतलब कि साफ़ सफाई से भी है, और उसका कनेक्शन इन्फेक्शन से भी है, उसका कनेक्शन रैशेस से भी है, उसका कनेक्शन इचिंग से भी है, उसका कनेक्शन इरिटेशन से भी है। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या सीखा कि अलग अलग तरह की स्मेल होती है, जो किसकी वजह से आ रही है, मेनली या तो इन्फेक्शन की वजह से आ रही है, या फिर आप साफ़ सफाई नहीं रख रहे, आप अपना पैड चेंज नहीं कर रहे, या फिर वो एसिडिक हो रहा है उसकी वजह से। तो आपको अपनी स्मेल पहचाननी है, कि अगर आपको स्मेल महसूस हो रही है तो क्यों हो रही है और किस तरह की हो रही है और उसका क्या कारण हो सकता है और आपको क्या करना है उसके लिए। तो ये थी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना है और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, मुझे फॉलो करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।